हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, जब आप अपना डिप्लोमा या बीटेक ये या आईटीआई कंप्लीट कर लेते हैं और जॉब रिक्वायरमेंट के लिए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोज़गार मेले में जाते हैं या कई पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, कई कैंपस में अप्लाई करते हैं, पूल कैंपस जॉब फेयर वगैरह, तो एक चीज़ जो ध्यान देने वाली होती है वो होती है कि आपका जो जॉब लगने जा रही है वो ऑन रोल जॉब है या कंपनी रोल है, मतलब ऑन रोल या ऑफ रोल, इनका दूसरा नाम कंपनी रोल और थर्ड पार्टी जॉब, इस तरह से भी नाम सुनने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ऑन रोल और ऑफ रोल जॉब में क्या फ़र्क है, या फिर कंपनी रोल और थर्ड पार्टी जॉब में ये क्या फ़र्क है, क्या चीज़ें होती हैं ये, और इनके बारे में पूरी जानकारी, कौन अच्छा है कौन ख़राब है, इनके बारे में भी तो पूरा डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई बात आपकी रह जाती है जो हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं वीडियो के, तो हम कमेंट में ही आंसर देने की कोशिश करेंगे उसका। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और बच्चों में भी अवेयरनेस फैले। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑन रोल जॉब या कंपनी रोल जॉब की। तो कंपनी रोल जॉब या फिर ऑन रोल जॉब वो होता है जिसमें कंपनी आपको खुद सेलेक्ट करती है और आपकी सैलरी भी वही कंपनी देती है, सारा रिकॉर्ड आपका जो है बना के रखा जाता है वहाँ पे, मतलब आपको कंपनी ने सेलेक्ट किया है, अपने आप अपनी शर्तों पे अपने उनके एचआर या उनकी टीम बैठती है, इंटरव्यू लेते हैं ढंग से और उसके बाद जो है वो आपका सिलेक्शन होता है जा करके। तो ये तो ऑन रोल जॉब या फिर कंपनी रोल जॉब हो जाता है। लेकिन ऑफ रोल जॉब या फिर थर्ड पार्टी जॉब में क्या होता है कि कंपनी जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसकी सैलरी जो है वो कंपनी आपको डायरेक्ट नहीं देती, बल्कि वो आपको थर्ड पार्टी यानी कि जिसने आपको उस कंपनी में लगवाया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या जिस भी बेसिस पे, तो उसको वो पेमेंट करती है और फिर वो उसमें से आपको अब पूरा दे दे वो एक अलग बात है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में अलग अलग होता है, हर सैलरी में से कुछ ले लेते हैं या स्टार्टिंग में एक बार ले लेते हैं फिर उसके बाद पूरी सैलरी आपके पास आने देते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब इस तरह से होती है। तो ये चीज़ आपकी जो है वो ऑफ रोल जॉब या फिर थर्ड पार्टी जॉब कहलाती है। ध्यान दीजिएगा कि जो भी जॉब ऑफर्स आ रहे हैं आपके पास उसमें देख लीजिए कि वो कंपनी रोल है या फिर थर्ड पार्टी जॉब है। तो कई ऐसी मैन पावर कंपनीज़ हैं जो कि आपको, जिनका काम ही यही होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ को मैन पावर अवेलेबल कराती हैं, क्योंकि कंपनीज़ कुछ होती हैं जिनके पास इतना समय नहीं होता कि वो इधर उधर जा कर के कैंपस करें और उसके बाद जो है वो इंटरव्यू लेकर के उनको उस बच्चों को भेजें, मतलब अपनी कंपनी में लें, तो वो कई बार जो है वो आउटसोर्स कर देते हैं इस काम को, और तब ये जो थर्ड पार्टी कंपनीज़ हैं या मैन पावर कंपनीज़ हैं तो वो जो है उनको सेलेक्ट करके बच्चे देती हैं, तो इसका वो ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ चार्ज करेंगी, वो अपना खर्चा कैसे निकालेंगी तो वो ज़रूर से ज़रूर चार्ज करेंगी। अब एक दूसरा फ़र्क ये होता है कि जब ऑन रोल जॉब या कंपनी रोल जॉब होती है तो इसमें जो कंपनी होती है जहाँ आप काम कर रहे होते हैं वो प्रॉपर आपका रिकॉर्ड बना के रखती है, जबकि ऑफलाइन में ऐसा ज़्यादा कुछ खास देखा नहीं जाता है, वो लोग ज़्यादातर जो है ऑन रोल वालों का ही करते हैं, ऑफ रोल वालों को तो वो मतलब उनके ऊपर ज़्यादा इतना वो फोकस नहीं रहता उनका, अदरवाइज़ डेली अटेंडेंस और ये सब चीज़ें तो उसमें लगेंगी ही। खैर, इसके अलावा बात कर लेते हैं एक और चीज़ की कि ऑन रोल में जो नियम हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, छटनी वगैरह जो अगर करनी है उन्हें कम वर्कर्स की तो वो अच्छी तरह से हैंडल किया जाता है उस चीज़ को, लेकिन ऑफलाइन में जो है वो एक पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होती है और इसमें किसी भी तरह की जॉब सिक्योरिटी या इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं होती है। ऑन रोल में आपको डीए बोनस वगैरह ये सब भी मिलते हैं, पर अगर आप ऑफ रोल जॉब में जाते हैं थर्ड पार्टी जॉब में तो आपको एक फ़िक्स्ड सैलरी मिलती है। हो सकता है आपकी ही पोस्ट पे कोई वैसा हो बच्चा हो समकक्ष जो कि ऑन रोल जॉब पे हो, तो हो सकता है उसकी सैलरी आपसे थोड़ी ज़्यादा हो, क्योंकि आपको जो है वो कट करके फिर थोड़ा सा कम मिलेगी क्योंकि वो थर्ड पार्टी भी थोड़ा सा रख लेती है कभी कभी। और फिर उसमें जो है वो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ऑन रोल जॉब जो होती हैं या कंपनी रोल में जब रखा जाता है तो आप कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉई होते हैं, मतलब आप लगातार उसमें काम करते रहेंगे, अगर कोई समस्या बड़ी नहीं आती है तो आपकी जॉब पक्की मानी जाती है, मतलब आप सरकारी नौकरी के समकक्ष होते हैं। कभी छटनी अटनी हुई या जैसे विषम परिस्थितियाँ ऐसी आई तब एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑफ रोल जॉब जो है वो अब 3-4 साल के लिए, जैसे मान लिया आपको रख लिया गया है 4 साल तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी से, कम तो थर्ड पार्टी कंपनी से,
तब तक आप सेवाएं देते रहेंगे, और जैसे ही उनसे कॉन्टैक्ट ख़त्म हो, दूसरे के साथ हो गया तो आपका वहाँ से कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया, फिर नई कंपनी से कॉन्टैक्ट करके वो आपको रख लें वो अलग बात है, लेकिन इसमें मतलब इस तरह की ये अनसर्टेनिटी जो है वो एक हमेशा बनी रहती है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे कि ऑन रोल या ऑफ रोल जॉब क्या होती हैं, या फिर कंपनी रोल जॉब और थर्ड पार्टी जो क्या होती हैं। तो आगे से जो है वो अब हम बात करेंगे कि ये क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। तो देखिए, कई ऐसा कोई बुरा भी नहीं है कि थर्ड पार्टी जॉब है या कंपनी रोल जॉब है तो ये नहीं, थर्ड पार्टी जॉब है या ऑफ रोल जॉब है तो ये हम इसको बेकार माने, ऐसा भी नहीं है। कई बार कंपनियां, जैसे कई आपने सोलर कंपनी सुनी होंगी, प्रतिष्ठित सोलर कंपनीज़ हैं, तो वो अपने आप भर्ती ही नहीं कर रही हैं, वो मैन पावर्स के सोल कंपनीज़ के थ्रू ही भर्ती कर रही हैं, तो वो थर्ड पार्टी से ही ले रही हैं। तो कई कंपनी ऐसी होती हैं जो थर्ड पार्टी से ही लेती हैं, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं कि वो कंपनी रोल पे भी लेती हैं और ऑफ रोल पे भी लेती हैं। तो उसमें बेटर है कि आप अगर कंपनी रोल से जाने तो एक अच्छा अवसर है आपके पास, बाकी ऑफ रोल से भी जाने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो बाद में जो है आपका काम हम देख के वो कंपनी रोल में भी आपको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इंटरव्यू लेकर के आपको वहाँ रख सकते हैं। तो सारा कुछ प्राइवेट जॉब में देखिए, सारा कुछ आपको अपनी योग्यता से लेना होता है। योग्यता अगर है आपके अंदर, आप उस योग्यता को दिखा पाते हैं, उनको लगता है कि आप उनके लिए बहुत काम के हैं, तो फिर वो आपको जो है वो सारी सुविधाएँ देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई और क्वेरी या इससे रिलेटेड कोई और टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए तो आप ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या के लिए वीडियो बना सकें। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।